हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ9 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, और ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा टच वाइब्रेशन। टच वाइब्रेशन इस ऑप्शन के सामने एक आपको बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है। तो ये बटन आपका जो है इस तरीके से ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी टच वाइब्रेशन सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी। अब ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कोई सा भी पेज ओपन कर रखा है या फिर किसी भी ऐप के पेज को आपने ओपन कर रखा है, अगर आप उसमें जो है पेज पे अगर किसी भी ऑप्शन या किसी भी बटन को अगर आप टच करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगा आपके मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। तो ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अब मैं आपको टच वाइब्रेशन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज है इसे आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, टच वाइब्रेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है आपको यहाँ पे पूरा टाइप कर देना है तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है, इससे क्या होता है आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।